नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इजराइल के बाद इटली ने भी ऐलान कर दिया है कि उसने भी वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। अमेरिका, चीन और फ्रांस पहले से इस दौड़ में शामिल थे, मगर कल भारत पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन निर्माण में जुटी टास्क फोर्स के साथ बैठक करके पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। इस हलचल के पीछे भारत की काबिलियत और विश्वसनीयता है। इसका मतलब यह है कि भारत इसी महीने के अंत तक वायरस रोधी वैक्सीन की घोषणा करके दुनिया को चौंका सकता है। बड़ी बात यह है कि मेडिसिन निर्माण में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। यहां बड़ी दवाइयों पर दुनिया को सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए भारत में बनी वैक्सीन कहीं अधिक सटीक और भरोसे के योग्य मानी जाएगी। इस वक्त देश में कोरोना के 30 टीकों को तैयार करने का काम अलग अलग स्तर पर है। इसके लिए कंप्यूटर साइंस, रसायन और बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक सामूहिक रूप से रात दिन जुटे हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत प्रायोगिक वैक्सीन के पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर चुका है। कुछ वैक्सीन का इसी माह से शुरू होने जा रहा है। भारत जल्दबाजी में कोई घोषणा नहीं करना चाहता। भारत वैज्ञानिकों का लक्ष्य प्रभावकारी वैक्सीन बनाना है जो सस्ती होने के साथ पूरे विश्व को फायदा दे सके। हालांकि वैक्सीन के ट्रायल से लेकर दुनिया में पहुंचाने के लिए इस पर 1500 करोड़ रुपए की लागत आकी गई है, मगर भारतीय वैज्ञानिक इसे 300 करोड़ में करके दिखाना चाहते हैं। यानी एक बार फिर दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। खास बात यह है कि प्रभावकारी वैक्सीन बनाने के लिए बड़े स्तर पर उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता और दुनिया में पहुंचाने के लिए नेटवर्क होना जरूरी है। इन तीनों ही मामलों में भारत को सोटी पर खरा उतरता है। यह काबिलियत अमेरिका, भारत, चीन, जर्मनी और यूके के पास है। परंतु इसमें सबसे विशेष बात यही है कि भारतीय मेडिसिन चीन की मेडिसिन से कहीं अधिक विश्वसनीय और कम दामों वाली होती है। अंतरराष्ट्रीय दवाई के बाजार पर भारत की अच्छी खासी पकड़ है, पर असली खेल तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन मिलकर खेल रहे हैं। WHO ने वैक्सीन बना रहे सभी देशों को डाटा साझा करने को कहा है। इसके पीछे WHO का तर्क है कि बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल को कम करने के लिए इसकी जरूरत है, ताकि ट्रायल का डाटा बाकी अन्य देशों के काम आ सके। पर चौंकाने वाली बात यह है कि चीन यहां भी पलटी मार गया है और अमेरिका ने तो WHO के साथ काम करना ही बंद कर दिया है। अमेरिका की कई प्राइवेट लैब भी वैक्सीन विकसित करने के काम में लगी है। इसका मतलब यह है कि WHO केवल इजराइल, इटली और भारत जैसे देशों की पूंछ पर लटक कर अड़ंगा डाल देना चाहता है। ऐसी भी आशंका है कि अपनी दागदार छवि के चलते वह पीछे से चीन को मदद पहुंचा रहा हो। यह संदेह उस वक्त और बढ़ जाता है जब WHO ने कहा है कि उसने एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया है जो प्राथमिकता वाली वैक्सीन का चयन करेगा। बड़ी बात यह है कि WHO के अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि WHO की यह योजना बहुत पुख्ता नहीं है। दुनिया में वैक्सीन बनाने के लिए जो अफरा तफरी बची है उससे यह और ज्यादा फैल जाएगी। भारत ने वैक्सीन बनाने के लिए फिलहाल अलग राह अपनाई है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन के प्रभावकारी ट्रायल के नतीजों का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारतीय वैज्ञानिकों ने तय किया है कि स्वदेशी वैक्सीन का प्रयोग इंसानों पर तभी किया जाएगा जबकि वे वैक्सीन के नतीजों से 100% आशान्वित हो जाएंगे। स्वदेशी वैक्सीन के जानवरों पर किए गए प्रयोग 95% सफल रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत दुनिया के सामने स्वदेशी वैक्सीन का ऐलान कर सकता है। परंतु इससे भी बड़ा आदेश पीएम मोदी द्वारा अपने वैज्ञानिकों को दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया में HIV और डेंगू का टीका आज भी नहीं बन पाया है। भारत वैज्ञानिकों को इन रोगों का टीका बनाने की जरूरत है ताकि दुनिया भारत की विज्ञान की ताकत से परिचित हो सके। पर मामला यहां तक नहीं है। भारत द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन पर दुनिया भर की नजरें टिकी है। ऐसा इसलिए भी कि भारत वैज्ञानिक खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। वे बगैर 100% परिणाम प्राप्त किए बिना कोई घोषणा करने से बच रहे हैं। अगर कल पीएम मोदी के साथ वायरस विकास टीका कार्यबल की बैठक चर्चा में नहीं आती तो देश को यह खुशखबरी पीएम मोदी अपने अंदाज में देते, मगर अब सार्वजनिक होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। कोरोना वायरस केवल भारत की ही समस्या नहीं है, आज पूरी दुनिया इस रोग से जूझ रही है। भारत में संक्रमण के मामले 49,357 तक जा पहुंचे हैं, जबकि पूरे विश्व में यह 35 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 2,55,000 ज्यादा से लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है। ऐसे में भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में सबके सामने आया है।
मानवता को बचाने में भारत के प्रयास पूरी दुनिया में पूरे आदर के साथ स्मरण किए जाते रहेंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।